मणिपुर में शनिवार को भयंकर हिंसा हुई जब प्रदर्शनकारियों ने इम्फोल में मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमला कर आगजनी की। यह घटना जिरीबाम में बराक नदी से 3 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 6 शव मिलने के बाद हुई। राज्य सरकार ने इम्फोल पूर्व, इम्फोल पश्चिम और बिश्नुपुर जिलों में शाम 4:30 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही नफरत फैलाने वाले भाषणों और वीडियो पर रोक लगाने के लिए इम्फोल पूर्व, इम्फोल पश्चिम, बिश्नुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चूराचांदपुर में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मृतकों के बारे में आशंका जताई जा रही है कि ये 11 नवंबर को सुरक्षा बलों द्वारा लोगों के मारे जाने वाले स्थान के पास विस्थापित मैतई लोगों के शिविर से गायब हुए 6 लोग हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए लोगों को उग्रवादी बताया था, जबकि कुकी समुदाय का कहना है कि वे ग्रामीण स्वयंसेवक थे। पीड़ितों में 25 वर्षीय महिला और उसके 2 छोटे बच्चे, 31 वर्षीय महिला और उसकी बेटी और 60 वर्षीय महिला शामिल है। आरोप है कि कुकी उग्रवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था। शवों को पोस्टमार्टम के लिए असम के सिलचर भेज दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों और विधायकों पर बढ़ती हिंसा को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कई क्षेत्रों में आपसा को फिर से लागू किए जाने का भी विरोध किया। भाजपा विधायकों के घरों पर हमला किया गया, जिनमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद राजकुमार इमो सिंह, रघुमणि सिंह और सपम कुंजकेश्वर शामिल थे। निर्दलीय विधायक सपम निशिकांत के घर को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने इम्फोल में स्वास्थ्य मंत्री सपम रंजन और उपभोक्ता मामलों के मंत्री एल सुसिंद्रो सिंह के घरों में भी तोड़फोड़ की। बता दें कि मणिपुर 3 मई 2023 से हिंसा की चपेट में है, जिसमें 240 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने इम्फोल पश्चिम जिले के सिंह जोमई इलाके में नगर प्रशासन आवास विकास मंत्री वाई खेमचंद के आवास को भी निशाना बनाया। इम्फोल पश्चिम जिले के सागुलबंद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा विधायक आरके इमो के आवास के सामने इकट्ठा होकर नारे लगाए। इमो मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के दामाद भी है। उन्होंने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की और अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।